मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन आज, इन नेताओं को आया फोन, बनेंगे मंत्री। मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, कई नेताओं को फोन आए हैं। नेताओं का भोपाल पहुंचने का सिलसिला भी जारी हो गया है। मोहन सरकार के मंत्रिमंडल गठन के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जबलपुर से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रहलाद सिंह पटेल भी जबलपुर से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। सतना जिले की रैगांव सीट से पहली बार विधायक बने प्रतिमा बागरी भी मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें भी फोन पहुंचा है। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट के मंत्री बनने की चर्चा जोरों पर है। इंदौर के सभी सीटों पर भाजपा के विधायक चुनाव जीते हैं। इससे पहले महेंद्र हार्डी या उषा ठाकुर मंत्री रह चुके हैं और मालिनी गौड़ महापौर रह चुकी हैं। तुलसी सिलावट भी पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं। इस बार कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट के साथ रमेश मेंदोला का नाम भी मंत्री बनने के लिए चल रहा है। वहीं प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट, राकेश शुक्ला, नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युमन सिंह तोमर, कृष्णा गौर, एदल सिंह कसाना, संपतिया उइके, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, अर्चना चटनीस के नाम भी सामने आ रहे हैं। वही निर्मला भुगुरिया, ईश्वर सिंह परमार को भी फोन पहुंचने की खबर है। मंत्रिमंडल में शपथ लेने को लेकर विधायकों को कॉल एक दिन पहले से ही पहुंचने लगे हैं। बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, कृष्णा गौर, तुलसी सिलावट को कॉल पहुंच गए हैं। वह मंत्री बनने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में 18 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ लेंगे। पूर्व मंत्री जगन्नाथ सिंह की पुत्र वधु चितरंगी से विधायक राधा सिंह को भी कॉल आने की सूचना है। वो सीधी से भोपाल के लिए रवाना हो गई हैं। भोपाल में मंत्रिमंडल को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शपथ राजभवन में होगी। इसके लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रियों के लिए सरकारी वाहन तैयार किए हैं। कुछ देर में कारें राजभवन पार्किंग में पहुंच जाएंगी। यानी जो विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं, वे अपने वाहनों से राजभवन पहुंचे, लेकिन मंत्री की शपथ के बाद सरकारी कार से लौटेंगे। प्रदेश के मंत्रिमंडल गठन को लेकर सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को मंत्रियों के नामों वाली सूची सौंप दी है। करीब 20 मिनट तक सीएम यादव और राज्यपाल के बीच मुलाकात हुई। इधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। वे दोपहर 2 बजे तक भोपाल पहुंच जाएंगे। जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है, उन्हें फोन पर भोपाल आने का न्योता दिया जा रहा है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम यादव ने मंत्रियों के नाम और उनकी संख्या पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व और सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में नया मंत्रिमंडल प्रदेश की बेहतरी के लिए गठित होगा।